सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। सो आज के डिफेंस न्यूज के एपिसोड में हम बात करेंगे आज की कुछ इंपॉर्टेंट और टॉप न्यूज के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एलएसी पर भारत चीन गतिरोध के बीच पेंगोंग तस्सो में सैनिकों को तेजी से ले जाने के लिए सेना ने 17 नावें खरीदी। भारतीय सेना ने 17 फ्लैट तल वाली नावें खरीदी हैं, जिनमें से अधिकांश को पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग तस्सो में तैनात किया जाना है, ताकि आपात स्थिति में सैनिकों की तेजी से तैनाती की जा सके। पिछले साल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ महीने से चल रहे गतिरोध के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है, जबकि भारत और चीन दोनों इस साल मार्च में विवादास्पद पेंगोंग तस्सो क्षेत्र में अलग हो गए। दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौरे की बातचीत के बाद कोई और सफलता नहीं मिली। चीन ने अपने सैनिकों को होट से वापस खींचने से इनकार कर दिया। शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार नौकाओं को खरीद गोवा स्थित एक्योरिस शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड से की जाएगी, जिस शिपयार्ड से नौकायन पोत सूर्यर का निर्माण किया था, जिस पर भारतीय नौसेना के कमांडर अभिलाष टोमी ने 2018 में फ्रांस से प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस में भाग लिया था। सूत्रों ने कहा है कि इस तरह की नौकाएं पहले से ही भारतीय नौसेना के साथ सेवा में हैं। पहली कुछ नावों की डिलीवरी पहले ही शुरू हो चुकी है और सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। उनमें से अधिकांश को अभी के लिए पूर्वी लद्दाख में शामिल किया जाएगा, बाकी की आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थानों पर तैनात किया जा सकता है। 35 फीट लंबी नावों में चालक दल सहित लगभग 20 से 22 लोगों को ले जाने की क्षमता होगी। वे 20 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ सकते हैं, जो लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। एक सूत्र ने बताया कि फिलहाल नावों में कोई हथियार नहीं लगाया गया है, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन्हें हल्के हथियारों से लैस किया जा सकता है। सूत्र ने कहा है, फाइबर ग्लास से बने वे झील के चारों ओर पहाड़ी पटरियों के नेविगेट करते समय खोए हुए समय को कम करने और झील के पास सैनिक को ले जाएंगे। लद्दाख इम्पेट्स। एलएसी पर चल रहे गतिरोध के साथ सेना क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं और बुनियादी ढांचे पर निर्माण कर रही है। जनवरी में सेना ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग तस्सो झील और अन्य बड़े जल निकायों को निगरानी बढ़ाने के लिए 12 उच्च प्रदर्शन वाली गश्ती नौकाओं की खरीद को अंतिम रूप दिया है। इन 12 गश्ती नौकाओं का अनुबंध गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किया गया था, जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी डिलीवरी इस साल मई तक शुरू होने वाली है। एक रक्षा अधिकारी ने बताया है कि झील पर हावी होने पर दुश्मन की किसी भी नाव तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए तेज गश्त वाली नौकाओं की आवश्यकता होती है। अधिकारी ने कहा, सैनिक और उपकरणों को ले जाने और झील के किनारे पर तेजी से समय सीमा में तैनात करने के लिए या तो मौजूदा सैनिकों को मजबूत करने के लिए या नई तैनाती के लिए सेना नौकाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारी ने कहा है कि यह एक फायदा है, क्योंकि झील की परिधि पर सड़कों और पटरियों के साथ साथ इलाकों का संघर्ष के कारण अधिक समय लगता है। पिछले कुछ महीने में पूर्वी लद्दाख में कोई और विघटन नहीं होने के कारण दोनों देशों ने इस क्षेत्र में सैनिकों का उच्च गंतव्य बनाए रखा है। भारत ने किसी भी स्थिति के लिए इस क्षेत्र में भारी सैन्य तैनाती रखी है और चीनी सैनिकों के खतरे का धारणा को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि की तैनाती के लिए एलएसी के साथ अपनी संरचनाओं को पुनर्गठित किया है। तो अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 2 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस ऑफ बीआरओ। आईआईटी रुड़की एकेडमी अवार्ड फॉर डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्ट रेजिस्टेंस हेलमेट। इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्ट 3 इंडिजिनसली बिल्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH-MK 3। डिफेंस मिनिस्टर गिव एनओडी टू पॉलिसी ऑन डिसक्लासिफिकेशन ऑफ इंडियाज वॉर रिकॉर्ड। नेवी MS-60 RS टू बी सुपीरियर टू US टेक्नोलॉजी। जम्मू एंड कश्मीर 2 कॉप्स एज मैनी सिविलियन किल्ड एज टेररिस्ट टू ओपन फायर इन सोपोर। एस जयशंकर इंटरेक्ट विद इंडियन कम्युनिटी इन कुवैत, से विजिट फोकस ऑन फाइंडिंग न्यू एरिया ऑफ कोऑपरेशन। सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.